हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रही हैं सुबह की 12 और अभी कर रही हूँ मैं व्लॉग की स्टार्टिंग, क्योंकि आज भाई जी नहीं आई है। कल भी नहीं आई थी, तो कल का भी काम पड़ा हुआ था और आज भी नहीं आई है। तो अभी मैंने लगभग झाड़ू सब जगह पे लगा दिया, पोछे नहीं किए हैं और हर आंगन वगैरह धो दिया है। और मैंने जैसे कि मेरे कल परसों के व्लॉग में मैंने बोला था कि मेरे फिंगर में पेन हो रहा है, तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया जॉइंट पेन और ये सारे सिम्टम्स है वो थायराइड के हैं। तो मैंने आज सुबह सुबह और थायराइड का टेस्ट दिया है, यानी क्योंकि सुबह सुबह जब मैं मंदिर गई थी और इसी वजह से शायद मैं लो भी साउंड कर रही हूँ। आज क्या पता व्लॉग करने का भी मन नहीं था, मैंने कहा नहीं व्लॉग तो करना ही है मुझे। आज सुबह सुबह जब मैं मंदिर गई थी, कुछ सुबह से खाया पिया नहीं था, तो मैं मेरा ब्लड का सैंपल है वो लेबोरेटरी पे दे के आ गई हूँ। अब शाम तक देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्योंकि थायराइड होने की वजह से जॉइंट वगैरह पेन होते हैं और दर्द भी होता है, यानी बोन्स में ऐसा भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कि अभी तक तो मेरे को लग तो नहीं रहा है पॉजिटिव आएगा ऐसा। और एक दो टेस्ट डॉक्टर ने और बोले थे, मैंने डॉक्टर का सजेशन लेकर ही टेस्ट करवाया। यही सब आज सुबह से था और थोड़ा सा मुझे नेगेटिव भी मैं फील कर रही थी, आज अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, नेगेटिविटी आ गई थी मन में। और काम भी था और काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। अभी मुझे खाना बनाना 12 तो बज गई है। मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, ऐसा ही मुझे लग रहा है। पर अभी बना देती हूँ खाना, क्योंकि लेट हो जाऊँगी, सैलून पर भी जाना है, क्योंकि कल तो ऑफ था। रोज़ रोज़ छुट्टियाँ लेना अच्छी बात नहीं है ना। तो चलिए अभी बना लेते हैं खाना। चिकू के डाइट में है मूँग की दाल और हरी सब्जी। हरी सब्जी में मैं अभी लौकी कट कर देती हूँ और मूँग की दाल अभी भिगा दूँगी। जब तक लौकी की सब्जी बनेगी तब तक मूँग की दाल भीग जाएगी, दाल भी बना देती हूँ। और उसके साथ है ब्रेड एंड सलाद। सलाद नहीं है तो मंगवा देती हूँ मार्केट से। हम इतने ज़्यादा जुगाड़ू हैं कि हमारा जो चकला होता है उसी को हम चॉपिंग बोर्ड भी बना लेते हैं। बस खाना बन गया, अभी बना देती हूँ रोटी और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हमारा खाना वगैरह सब बाकी है, पर नव और मैं दोनों बैठ के मस्ती कर रहे थे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे थे जो आपको हम बताएंगे। अभी मैं और नव कर रहे हैं, मैं नव के वो कर रही हूँ। अरे ये वहाँ से लाइटें चालू कर तो वो अच्छा फोकस आएगा, ये वाला दे। अब कर। तेरे दोनों हाथों में डिफरेंस भी बताएंगे अपन। अब ये देखो मेरा हाथ, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ। अब होने वाला है नव के साथ मैजिक। कैसा लग रहा है नव? 1 2 3 सॉलिड है, मजा आ गया। और एक वो वाला करके बता दो। इसी करने ऐसे रख, ऐसे हाथ। अरे नहीं, गलत हुआ, ऐसे कर। ये उंगली दड़ा, ये उंगली दड़ा, ये उंगली दड़ा। रुक रुक, पूरा यहाँ तो ब्लॉक कर। अब दबा, टाइट दबा दे। जोर दर्द है। वो वाला अरे भाई मेरे एक बार तो ट्रायल हो। अरे जोरदार चीज होती है, ट्राई करो, मजा आएगा। क्या बता दे कैसे कैसे ट्राई करना है। एक तो ऐसा लगे तू, मैं अकेला कर ही नहीं सकता है, ऐसे करके फिर ये ऐसे करो। क्या जोरदार का पेन आता है यार। अरे अरे यार रुको, मेरे को एक बार ऐसे। हाँ, फिर सेकंड फिंगर, फिर थर्ड। हाँ अरे 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 आई पूरे उंगली में। यहाँ पे बीच में क्या आता है जो हमारे सर थे, हमको ऐसे ही करवा देते, यानी मारते नहीं थे, ऐसे करवा देते थे। ये दर्द कितना होता है वही तो। और एक मैन क्या करते, कुछ भी पेन वैन देते थे, फिर ये ऐसे देख, ये जैसे कि ये मेरी फिंगर ही है, पेन है जैसे कि ये। अब ये जोर दिखता है यार, और इतना जोर से दबा देते, मैं तो जोर से भी नहीं दबाया, बहुत तेज गजब का। आपको कभी ये सब किया है? मैं करना कुछ देती नहीं थी, मैं पूरी क्लास में नाचती, मैं मार ही नहीं खाती। तेरे को कैसे मारती है तेरी मैम? मारते तुमको ना? अब तो मारते ही नहीं है ना कि क्लास में मारते हैं डस्टर वस्टर ऐसे कुछ मारते ना? वो फोर्थ थर्ड क्लास में ऐसे कोई मारते, वो हिंदू में। अच्छा अभी कौन सी क्लास में? अभी तो फिफ्थ। वो सुनो फिफ्थ में? हाँ। अभी हो गई हूँ मैं रेडी शॉप पर जाने के लिए, और आज तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। आज बज गई है 3 बज गई है लगभग। तो अभी चलते हैं शॉप पर, और वहाँ जाकर भी कुछ काम पेंडिंग है उनको पूरा करते हैं, क्योंकि आज जाने का मूड नहीं था पर कस्टमर के कॉल आ रहे थे इसलिए जाना ज़रूरी है। आज काफ़ी वैसे घर के काम में और ऐसे काफ़ी थक गए, इसलिए शॉप पर आ गई हूँ। और अब करवा रही हूँ मैं बालों में हेयर ऑयल, क्योंकि बहुत दिन हो गए करवाया नहीं है, तो अभी करवा दूँगी हेयर मसाज एंड हेयर ऑयल। और आज थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है तो ऑयलिंग करवाने से अच्छा लगेगा शायद, थोड़ा शायद क्या अच्छा ही लगेगा। तो कैमरा मैं साइड में रख देती हूँ। अभी मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं और सब कुछ नॉर्मल आया है आप सबके प्यार से, क्योंकि मुझे एक जने ने बोला था कि आपको अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक बार थायराइड चेक करवाना चाहिए। और मैंने थायराइड उनके यानी रिकमेंडेशन पर चेक करवाया और सच में नॉर्मली आया, और करवाना भी ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी ब्लड रिपोर्ट करवाई नहीं थी, और इसमें 2 रिपोर्ट्स थी, दोनों नॉर्मल आई है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए और मुझे इतना यानी परफेक्ट चीज़ सजेस्ट करने के लिए। ये चीज़ अगर मुझे थायराइड होता तो भी ये चीज़ हो सकती थी, पर डॉक्टर ने बोला कि मेरा एक बार ऑपरेशन हो चुका है अपेंडिक्स का, उस वजह से बादल वगैरह होते हैं तो खाने में भी प्रॉपर नहीं आता है, तो हो सकता है, रीज़न दिया है, बाकी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, थैंक्स गॉड। अभी जा रहे हैं हम घर पे और कुछ शॉपिंग करनी है, वो भी मार्केट से कर लेते हैं और फिर सीधे चलेंगे घर। तो अभी आ गए हम घर पे और बहुत ही ज़्यादा मिठाई खाने की क्रेविंग हो रही थी मुझे, यानी क्या पता सुबह से ही वो मूड ऑफ था, तो कुछ मीठा खाएंगे तो और अच्छा होगा। तो थैंक्स टू पतिदेव लेके गए और बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आए। तो अभी चलते हैं घर पर और शाम के खाने की तैयारी। देख रही हूँ ना एकदम चिपकू, बालों में ऑयलिंग करवा दिए तो डेजर्ट लेके आए, मस्त डेजर्ट खाया और शांति हुई पेट में, यानी जो क्रेविंग हो रही थी मज़ेदार मीठा मीठा खाकर। गुलाब जामुन मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और अभी हो रहा है डिनर टाइम, और डिनर में बनाए हैं पूड़ी और भिंडी की सब्ज़ी। तो ये फिनिश कर देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। लो बेटू के फूल इन जगह पे लो 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 वीडियो कर रहे हैं आपकी। लो ठीक है, एक तो मैं लो लो अभी हो गया खाना वगैरह सब कंप्लीट और हम हो चुके हैं फ्री। जैसे कि आपने देखा कि मिट्टू हमारे नहा रहे, नल चालू रखा है तो वो दोनों जने एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो एक ही कर रहा है, बाकी थोड़ी देर पहले तो दोनों ही कर रहे थे। बस इसी के साथ मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक देखने के बाद अगर व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में, बाय।